इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर यादव से हमारे संवाददाता कौशलेंद्र प्रासर ने खास बातचीत की। देखिए इस रिपोर्ट में आखिर क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर यादव ने। मैं अभी मौजूद हूं बिहार के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, पटना ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद है लोहिया ब्रिगेड के बिहार अध्यक्ष धर्मवीर यादव। धर्मवीर यादव ने आज अखिलेश यादव जी के समर्थन में पोस्टर जारी किया, देख रहे हैं इस पोस्टर को। अब लौटिए बाबा, गोरखपुर के लिए इन्होंने जारी किया है, योगी आदित्यनाथ के लिए इन्होंने जारी किया है। मैं इनसे बात करता हूँ, धर्मवीर यादव जी को आपको यह पोस्टर जारी करने की क्या जरूरत आन पड़ी, बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है पूरे हिंदुस्तान के जो भी मतलब संगठन के लोग हैं सबको वहाँ वर्चुअल रैली करेंगे। तो बिहार समाजवादी पार्टी इस पोस्टर के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करती है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से पीठ पर हाथ धर के बाबा को गोरखपुर ले जा रहे हैं, उस तरह से इनकी विदाई लोग करें। समाजवादी पार्टी यह चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सरकार न आए, जात के नाम पर बुलडोजर चलाने वाला कोई मुख्यमंत्री न बने, वहाँ पर बाबा जैसा मुख्यमंत्री न बने। एक बेहतर अगर शासन चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी को वोट कीजिए। पहली बात, हमारी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री दे रहे हैं। उसके अलावा किसानों को MSP हम लोग देने की बात किए हैं, नौजवानों को रोजगार की बात कर रहे हैं, बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए पेंशन योजना की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने हाथ में अन्न लेकर, जल लेकर यह संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्र और नौजवानों के लिए बेहतर उत्तर प्रदेश बनाएंगे और नए सरकार बना करके उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएंगे। धर्मवीर जी, आपके जो नेता हैं उनकी जो छोटी भावे है अन्नपूर्णा यादव, उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है और समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि मुलायम सिंह जो अखिलेश जी ने कैद रखा है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अर्पणा यादव की जहाँ तक बारे में बात करना चाहेंगे, वो एक पार्टी वर्कर नहीं थी, समाजवादी पार्टी का वर्कर नहीं थी। 5 साल पहले पार्टी में आई थी, चुनाव लड़ी और चली गई। चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में काम करने वाले जो लोग कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लगातार 5 साल संघर्ष किया है, समाजवादी पार्टी का झंडा उठाया है, उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट देने का वादा किया था। उस कैटेगरी में अर्पणा यादव कहीं नहीं टिकती थी, इसलिए अर्पणा यादव जी को बोला गया कि आप आराम कीजिए, सरकार बनाने में आप लोग मदद कीजिए। रही बात अर्पणा यादव की, तो अर्पणा यादव का कोई वोट नहीं है, कोई बड़े जन आधार वाले नेता नहीं है। इनकी तुलना हम लोग कभी स्वामी प्रसाद मौर्य से कभी ना किया कीजिए। इनका जन आधार कहाँ है वहाँ पर, उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा में भी नहीं है। लेकिन देखिए, नेताजी का कद कितना बड़ा हिंदुस्तान में है कि उनकी एक मतलब बहू भी इंडायरेक्ट में बहू है, उनको जो है शामिल कराने के लिए जरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ता हो, एक डिप्टी सी दो दो डिप्टी CM आ रहे हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में मौजूद हो, इतने लोग अर्पणा यादव को शामिल कराने के लिए आए हैं, जबकि अर्पणा यादव की हैसियत औकात एक विधानसभा तक सीमित भी नहीं है। और आपको क्या लगता है धर्मवीर जी, इसको देखने से तो यही लगता है कि समाजवादी पार्टी वहाँ बहुत ही मजबूत स्थिति में है, आप एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी आपके माध्यम से हम जो उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करेंगे कि योगी सरकार को छोड़ दीजिए और साइकिल छाप पर वोट दीजिए। इसलिए कहेंगे कि अगर जात देख के बुलडोजर आपके घर पर चलने लगेगा तो अगला बारी हमारी के बाद आपकी भी होगी। याद कीजिए, हम खासकर बैकवर्ड समाज के लोगों से अपील करेंगे, याद कीजिए जब अखिलेश यादव जी खाली किए थे मुख्यमंत्री आवास, उस समय गंगा जल से धोया गया था। ये RSS के लोग, ये मनुवादी लोग हमेशा दलितों को, पिछड़ों को अपमान करने का काम करते हैं। इस बार मौका है कि 85% लोग एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के साइकिल छाप को वोट दीजिए। आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए यह बेहतर मौका है और इस मौका को उत्तर प्रदेश के लोग चूकने वाले नहीं हैं। आप सुन रहे थे धर्मवीर यादव, लोहिया ब्रिगेड के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने पोस्टर जारी किया है, बाबा आप लौट जाइए गोरखपुर, और इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से अपील की साइकिल को जिताएं, 85% का शासन लाएं। हमारे सहयोगी संजय राजगुप्ता के साथ कौशलेंद्र पटना से।